तैयार करते हैं? हम सभी कुलचे तैयार करते हैं, आलू प्याज गोभी अदरक मेथी पांच छह तरह के जो कुलचे होते हैं सभी तैयार करते हैं। ये आपने लच्छेदार बटर नान लच्छेदार कैसे तैयार करते हैं? चने जो नहीं इसमें मसाले बहुत डाले होते हैं, मसाले वैसे पानी में बॉईल करते हैं ना सिंपल तरीके से, तड़का वगैरह तो नहीं लगता ना, नहीं पानी में बॉईल करते हैं, उसी में सूखे मसाले जो भी आप डालते हैं उसी में डालते हैं, धनिया अजवाइन जो भी होते हैं ना। ये दीदी होते हैं दिल वाला कुलचा, ये दिल वाला कुलचा बना दिया इन्होंने, हार्ट शेप वाला कुलचा है, बहुत बढ़िया कुलचा है। कैसे आप सब आज हम आए जी गोरा कुलचे वालों के पास, काफी फेमस है, ढाई ढाई साल से अपना ये चला रहे हैं काम, कुलचे इनके पास काफी वैरायटी के हैं आप देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पर आके खाके भी जाते हैं, पैकिंग भी जाती है और रश काफ़ी होता है इनके पास, बैठने के लिए भी जगह है और उनसे बात करते हैं और लोकेशन देख लें, श्वाला के बिल्कुल सामने, श्वाला मंदिर के बिल्कुल सामने इनकी कार्ट है। नमस्ते भैया, नाम क्या है? राम, नाम क्या है जी आपका? मेरा राम राजकुमार है, गोरा कुलचे में श्वाला राजकुमार और गोरा कुलचे के नाम से आपकी कार्ट फेमस है जी मैडम। कितने साल हो गए आपको ये काम करते? हमको मैडम हो गए 2.5 साल हो गए काम करते हुए जी मैडम। और ये आपका ये पक्का अड्डा है यहीं पर लगाते हैं आप? हाँ जी शुरू से लगा। और लोकेशन क्या पड़ती है आपकी, किसी ने आना लोकेशन क्या पड़ती है, जगह कौन सी पड़ती है? ये श्वाला रोड है, मेन श्वाला रोड, श्वाला बाग भैया, ठीक है श्वाला रोड और मेन श्वाला बाग भैया के सामने आपकी कार्ट है जी मैडम, ठीक है। और कितने बजे शुरू कर देते हैं जी? ये 9:30-10 बजे 9:30-10 बजे छुट्टी करते हैं कोई? छुट्टी बुधवार को रेस्ट कर लेते हैं, कभी कभार छुट्टी हो जाती है। और कौन कौन से कुलचे तैयार करते हैं? हम सभी कुलचे तैयार करते हैं, आलू प्याज गोभी अदरक मेथी पांच छह तरह के जो कुलचे होते हैं सभी तैयार करते हैं। और ये आपने लच्छेदार बटर नान लच्छेदार आपने पेड़े में रख रखे और इसमें फिलिंग डालते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है परोठी जैसे बनता है ये, ठीक है जैसे अच्छा पराठा होता है वैसे बनता है कुलचा। और प्राइस क्या है इसका स्टार्ट? ये 60 का 50 का 60 और जो डबल बटर हो जाता है ना उसमें ऊपर क्या लगाते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं कुलचे? ये मूल का बटर होता है, मूल का बटर होता है, ठीक है मूल का बटर है, ठीक है जी बहुत बढ़िया। और मिक्स जो किया हुआ आपने मसाले इसमें क्या क्या डाला है? आलू में, ये आलू में है धनिया अजवाइन खड़े मसाले डाले आपने, हरे मसाले और खड़े मसाले, ठीक है। और गोभी का आपने मिक्सर अलग, किसी ने गोभी का बनवाना हो तो वो भी बनवा सकता है, जैसे आप कस्टमर बोलेगा हम वैसे ही बना लेंगे, ठीक है ठीक है। अदरक हरी मिर्च ये तो स्पाइसी, किसी ने खाना हो तो वो खा सकता है, हाँ उसका टेस्ट होगा। ये पुदीना है, ठीक है। और ये जो आपने गलवा नान जैसे बनाए ये कैसे तैयार करते हैं इसको? हाँ जी जो मैदा आपने तैयार किया है इसको कैसे तैयार करते हैं, इसको गूंथते कैसे हैं? ठीक है लहरे वाला है ये दीदी, इसमें मैदा लगा हुआ है, मैदा है, और इसमें क्या डालते हो ना? इसमें पानी होता है, सूजी होती है, ठीक है सूजी भी डालते, ये ले रहे हैं ना, घी कोई डालते हैं इसमें? हाँ जी घी वगैरह डालते हैं, थोड़ा सा घी डाल देते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, डालडे वाला डालते हैं ना? हाँ जी डालडे वाला घी डालते हैं ना इसमें? हाँ डालडे, उसी से ये क्रिस्पी पन देता है, बहुत नरम हो जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ लोग आते हैं वो देसी घी लेके आते हैं अपना से, ठीक है अपना वो लगाते हैं उसका और टेस्ट होता है। तंदूर में कितने कुलचे लग जाते हैं? 15-20 तो लग जाते, 15-20 लग जाते हैं, ऐसे होता ना लगाते जाते हैं निकालते जाते हैं। कितना टाइम लगाते हैं? 3 बजे 4 कितने तक रहते हैं आप? हम 4-4:30 बजे 4:30 बज जाते हैं, ठीक है। और ये मिक्सर में क्या डाल रहे हैं आप जी? मैम गोभी है, आलू है, खड़े मसाले हैं, हरी मिर्च है, धनिया है जी मैडम, ठीक है। और जो लच्छेदार आपने पेड़ा किया है उसमें इसको भरेंगे और सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। साफ सफाई आपने काफी अच्छी तरह रखी, कार्ड आपने काफी सुंदर बनाई है। और चने से तैयार करते हैं? चने जो नहीं इसमें मसाले बहुत डाले होते हैं, मसाले वैसे पानी में बॉईल करते हैं ना सिंपल तरीके से, तड़का वगैरह तो नहीं लगता ना, पानी में बॉईल करते हैं, उसी में सूखे मसाले जो भी आप डालते हैं उसी में डालते हैं, धनिया अजवाइन जो भी होते हैं ना मसाले उसमें गरम मसाले होते हैं। और चटनी कौन सी तैयार करके देखते साथ में? ये पुदीने की चटनी होती है जी, हरी मिर्च पुदीने की, प्याज या सीजन के हिसाब से मूली वगैरह आ जाती होगी ना? नहीं मूली जो सीजन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, प्याज होता है पुदीने के हिसाब से, ठीक है जी। लग गया, ठीक है जी।
और किसी ने स्पेशल बनवाना वो भी बना देते पनीर वाला। अच्छा जी, पनीर वाला अपना मटेरियल है या आपसे ही डिमांड कर लें कोई मटेरियल की वो आप तैयार कर देते हैं? हर तरह के ऑर्डर भी आते हैं आपके पास? ऑर्डर भी आते हैं। ठीक है, कैटरिंग वगैरह भी करते हैं? मैं कैटरिंग वाले बंदे ध्यान नहीं। ठीक है, यहीं पर आता काम एक ही होता है, यहीं पर करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता हमारा। और कितनी देर में तैयार होते हैं ये? बस हो रहे हैं। ठीक है, अब 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, उसको बटर लगा कर घी लगा कर फिर रोस्ट करेंगे। ठीक है, इसकी शेप बना कर देंगे आपको। छोटा सा है, जैसे ठीक छोटी जैसे बच्चे करते हैं उसके ऊपर उन्होंने बटर लगाया है, अमूल बटर। और ये पैकिंग वगैरह इनकी आई है वो देंगे। हमारे कुलचे तैयार हो गए हैं, इन्होंने इनको कटिंग करके दोबारा तंदूर में लगाया, इसके ऊपर ये बटर लगाएंगे और प्लेट में सर्व करेंगे, चने देंगे, चटनी देंगे। और 50 और 60 रुपए के बीच इनका रेट है। ये देखें कितने बढ़िया बन गए हैं, जैसे पिज्जा टाइप पीस होते हैं वैसे ये तैयार हो गए। ये दीदी होते हैं दिल वाला कुलचा, ये दिल वाला कुलचा बना दिया इन्होंने, हार्ट शेप वाला कुलचा है, बहुत बढ़िया कुलचा है। खाते हैं, कोई गल नहीं भैन जी, कोई गल नहीं, तो अपने घर जा। ये हार्ड शेप वाला कुलचा है, कितना है इसका? सर 20 रुपए मक्खन भी ले जाए, इसका प्राइस कितना है? इसका 60 रुपए का। ये डबल बटर होता है ना? डबल बटर है। ठीक है, काफी बटर। दोस्तों गोरा जी ने हमारे लिए हार्ड शेप का कुलचा तैयार कर दिया, पहले इन्होंने पूरा कुलचा लगाया, बाद में इसकी कटिंग की है और डबल मक्खन लगाया, अमूल का मक्खन लगाया। और चने देखें बिल्कुल सिंपल और छोटे दाने वाले चने हैं। और चटनी है प्याज और पुदीने वाली, इमली वाली, वो 60 रुपए का जो कुलचा है। अगर आप आते हैं तो ये ट्राई जरूर करके जाएं, बिल्कुल जो सॉफ्ट बना है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। अगर आप आएँ तो ट्राई जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अब इसको हम इंजॉय करते हैं, खाते हैं, आप भी इधर आएँ तो ट्राई जरूर करें।